क्या आपने कभी महसूस किया है कि सर्दियों के दिनों में आपकी ऊर्जा सूरज के साथ ही डूबने लगती है? क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि लंबी रातें और छोटे दिन आपके मूड पर क्यों भारी पड़ते हैं? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो आप यह जानने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD या मौसमी उदासी। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी इंसान को मौसम के बदलाव के साथ प्रभावित कर सकती है। तो आइए इस टॉपिक को हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। तो सबसे पहले जानेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD एक तरह का डिप्रेशन है जो मौसम के बदलाव के साथ होता है। हर साल लगभग एक ही समय पर शुरू और खत्म होता है। ज्यादातर लोगों के लिए SAD के लक्षण पतझड़ में शुरू होते हैं और सर्दी के महीनों तक चलते हैं, एनर्जी को कम कर देते हैं और मूड खराब कर देते हैं। आमतौर पर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD वसंत या गर्मियों के शुरू में डिप्रेशन का कारण बनता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। आइए देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD दो टाइप्स के होते हैं। चलिए देखते हैं इसके दोनों टाइप्स को। शुरू करते हैं फर्स्ट विंटर ऑनसेट सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, कुछ लोगों को उदासी और निराशा घेर लेती है। सेकंड समर ऑनसेट SAD। हाँ जी, गर्मियों में भी कुछ लोग उदासी और बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन ये कॉमन है। ये थे इसके मेन टू टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स को जानेंगे। वैसे इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, मगर हम यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी की कमी से। हर वक्त थकान महसूस होना बिना किसी काम के। नेक्स्ट नींद का बदलाव, बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना। नेक्स्ट मूड स्विंग्स, मूड का बार बार बदलना, कभी खुश तो कभी उदास। नेक्स्ट खाने का पैटर्न, कुछ लोगों को ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, खासकर कार्ब्स की। दोस्तों, ये थे इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम जानेंगे कि इसका होने का कारण क्या है। दोस्तों, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होने का बहुत सारे कारण है। हम यहाँ आपको कुछ कारण के बारे में बता रहे हैं जो काफ़ी कॉमन है और बहुत से लोगों में पाए जाते हैं। शुरू करते हैं धूप की कमी से। सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी कम मिलती है, जो विटामिन डी की कमी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारा इंटरनल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम मौसम के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता, जिससे हम उदासी महसूस करते हैं। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे केमिकल्स का असंतुलन भी SAD को जन्म देता है। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन कारण जो अक्सर लोगों पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि लाइट थेरेपी, सुबह की पहली रोशनी में थोड़ी देर बिताना या आर्टिफिशियल लाइट थेरेपी का इस्तेमाल। नेक्स्ट बाहर समय बिताना, रोजाना थोड़ा समय बाहर बिताना, खासकर धूप में। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से मूड अच्छा रहता है और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा या मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स से तनाव को कम कर सकते हैं। इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को होने से रोक सकते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे की जाती है। इसके जांच करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने मूड और एनर्जी लेवल पर नजर रखना। नेक्स्ट प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपको लगता है कि आप SAD से प्रभावित हैं तो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। दोस्तों, ये थे इसके डायग्नोसिस करने का तरीका। अब हम चलते हैं सबसे मेन पॉइंट्स पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD का इलाज किसी मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिस्ट के जरिए किया जाता है।
तो चलिए देखते हैं। लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी, एक स्पेशल लाइट बॉक्स का यूज सुबह के समय कुछ मिनट के लिए। नेक्स्ट, मेडिकेशन, कभी कभी डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंसलिंग, बात करने से भी कई बार हम अपने आप को बेटर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हमारे ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर से गुजरना मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखें, इसका इलाज संभव है। अगर आप या आपके जान पहचान में कोई भी इस स्थिति से गुजर रहा है तो शर्माए नहीं, मदद लें। अपने आप को और अपने लव्ड वंस को सपोर्ट करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्ट्रैटेजीज शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए।